बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। जिस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारा रहा है, जब से हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी, फर्स्ट मीटिंग जब मिले थे, जब पहली बार मुझे एक्चुअली कॉल आया था एंड सर ने बोला था कि हेलो दिस इज कार्तिक, दिस इज इम्तियाज अली, एंड तो मुझे याद है मैं एक्चुअली उस टाइम लुक्का छुपी की शूट कर रहा था, तब मुझे कॉल आया था और मैंने अपने आप को वैनिटी में बंद कर लिया था और मैंने बोला था कि मैं वॉशरूम चला गया हूँ और जितनी देर तक ये कॉल चलता रहेगा उतना वॉशरूम में बैठा हूँ। तो मैंने बहाना किया था सेट में ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे और हमने करीब 45 मिनट शायद से उस फोन कॉल में, फर्स्ट फोन कॉल में बात की थी। खबर मेरे पास नहीं थी, ये खबर नहीं आई थी क्योंकि वो ऐसा अपसेट स्टमक, बट दिस वाज हैपनिंग देन एंड सो आई थिंक मतलब इट्स बीन अ वंडरफुल वंडरफुल जर्नी। मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जब सर ने मेरे को एक्चुअली हम लोग जब बात भी किए थे तो हमने किसी और चीज़ के लिए बात की थी, इवेंचुअली लव आजकल हैपेंड एंड इट्स लाइक अ ड्रीम। मैं मतलब सपना जी रहा हूँ वैसा मुझे लग रहा है। जब भी मैं रॉकस्टार मतलब हम देखते देखते दोस्तों में या कॉलेज में जाते हुए सब सबकी फेवरेट मूवीज में से कुछ रही हैं एंड जब पोस्टर भी जब मैंने पहली बार अपना ये देखा, हम दोनों इस पोस्टर में थे, अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड यू नो, तो वो मैंने सर को मैसेज भी किया था, बोला भी था, मैं 3 घंटे तक 2 घंटे तक मैं बस देख रहा था और फोन को देख रहा था। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही। आई डोंट नो मतलब मैं बहुत खुश हूँ। इट्स अ कंप्लीट सर्कल एंड सर ने जिस तरीके से मुझे वीर और रघु के कैरेक्टर में देखा एंड जितना इन्होंने हम सबको वाइल्ड डायरेक्टिंग, आई थिंक ही इज कम्प्लीटली फॉर मी, ही इज कम्प्लीटली चेंज मी एज एन एक्टर। मे बी जैसा मेरा थॉट प्रोसेस है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है इनसे बात करके, इनसे समझ के, एंड इनका तरीका भी एकदम इतना आसान सा होता है कि हम बस बात करते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरफ लेते जा रहे हैं। तो वो एक प्रोसेस में हमें हमेशा से मज़ा आया एंड मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ सारा। आपने भी स्पीच दे दी हमारे, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं थी, बट आई एम ग्लैड आई एम सर ब्रिलियंट। पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर दिनेश विजन बना रहे थे, सैन फ्रांसिस्को में एक ब्रेक लिया था तो हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे कहीं पर बैठ कर, बिकॉज वेल डिजर्व ब्रेक था, और हम लोग बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे कहीं पे स्क्वायर में, अच्छा माहौल था। कॉफ़ी पीते पीते दिनों की आंखों में आंसू आ गया, वो आंसुओं से रोने लगा ऐसे बोल, मुझे लगा कि क्या हो गया यार, तो क्या हो गया, बोलता है कि अगर ये फिल्म नहीं चली ना सर, तो आप जहां भी हो गए इस दुनिया में और सैफ जहां भी छुपे मुझसे इस दुनिया में, आई विल लुक फॉर यू, आई विल फाइंड यू एंड आई विल बीट यू, क्योंकि आप लोगों ने जिद कर दी ये फिल्म। सेम चीज में अभी तुम दोनों को बोल रहा हूं ढूंढेगा।